Hey guys, welcome back to TechSirits, Vaneet Sirits. तो आज मैं आपको इस वीडियो में टॉप 7 लेटेस्ट एंड्रॉइड गेम्स के बारे में बताऊंगा और ये सभी गेम्स डिफरेंट कैटेगरी की होने वाली है। आई होप आपको ये सभी गेम्स पसंद आएंगी और इन सभी गेम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गेम इस लिस्ट में है डर्ट एक्सट्रीम 2। ये एक ऑफ रोड बाइक रेसिंग गेम है, तो इसमें आपको अपने ओपोनेंट्स के साथ रेस करनी है। तो जैसे कि एक ऑफ रोड गेम है, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपको उन सभी ऑब्स्टेकल्स को पार करते जाना है एंड अपने ओपोनेंट से आगे निकल कर आपको न्यू टाइम रिकॉर्ड बनाना है और उन्हें बीट करना है। बॉटम लेफ्ट साइड में आपको दो डायरेक्शन के बटन मिल जाते हैं, आप उन बटन्स को यूज करके अपनी बाइक को डायरेक्शन दे सकते हैं एंड रेस इसमें ऑटोमेटिक ही रहेगी। एंड राइट साइड में आपको एक नाइट्रो का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इन सभी बटन्स को यूज करके अपनी रेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गेम के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं एंड आप इसमें बाइक स्टंट भी कर सकते हैं और जो इस गेम में कैमरा एंगल्स लिए गए हैं वो भी काफ़ी बेस्ट हैं। तो कुल मिला के ये गेम बहुत ही एडिक्टिव है, अगर आप एक बार खेलना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट गेम इस लिस्ट में है हीरोज रेज। ये एक 3v3 मल्टीप्लेयर गेम है, तो इस गेम में 3v3 के मैच होंगे। आपकी टीम में एक किंग होगा और बाकी दोनों सोल्जर्स होंगे, तो आपको अपने किंग को सेव करना है और एनिमी के किंग को किल करना है। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए आप एनिमी के फ्लैग को उठाकर अपने बेस पर लगा सकते हैं और अपने फ्लैग को भी आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा। एंड जितनी बार आप अपने एनिमी किंग और एनिमी सोल्जर्स को मारेंगे उतने ही पॉइंट्स आपके बढ़ते जाएंगे। तो कभी कभी ये मैच बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता है और कभी कभी दो बार किंग को किल करने पर ही मैच ख़त्म हो जाता है, तो उस पॉइंट पर जाकर बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। एंड इसमें आपको डिफरेंट हीरोज़ भी दिए गए हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं और कस्टम स्किन्स भी दी गई हैं, लेकिन वो सभी आप जैसे जैसे गेम प्ले करेंगे तभी अनलॉक होंगे। लेफ्ट साइड से आप अपने हीरो की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं एंड राइट साइड में आपको डिफरेंट हिटिंग ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप उन ऑप्शन को यूज़ करके अपने एनिमीज़ को किल कर सकते हैं। तो आप हीरोज़ रेज गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट गेम इस लिस्ट में है मेडल्स ऑफ वॉर। तो ये गेम एक रेप्लिका है क्लैश रॉयल का। इसमें आपको वैसे ही सभी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि डेक हो गया, बैटल हो गया और आपको अपने एनिमी के साथ बैटल करना है और उसके बेस को डिस्ट्रॉय करना है। बट इसमें आपको डिफरेंट कैरेक्टर दिए गए हैं क्योंकि इसमें एक सोल्जर बेस है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वेपन्स एंड सोल्जर्स दिए गए हैं। तो डेक ऑप्शन में जाकर आप अपना डेक सेट कर सकते हैं, जो भी कार्ड्स आपको यूज़ करने हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको डिफरेंट चेस्ट दी गई हैं, उन्हें आप ओपन करके अपने कार्ड्स को अपग्रेड कर सकते हैं। एंड बैटल के टाइम बॉटम में आपको डिफरेंट कार्ड्स शो हो जाएंगे, तो आप इन कार्ड्स को सही टाइम पर यूज़ करके अपने एनिमी के बेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये गेम भी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है एंड इसमें कैरेक्टर थोड़े डिफरेंट दिए गए हैं, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा सुपर पावर के साथ कैरेक्टर नहीं दिए गए हैं, तो ये गेम एक रियलिटी को शो करती है। नेक्स्ट गेम इस लिस्ट में है मैसिव वॉरफेयर। तो इस गेम में आपको अपने एनिमीज़ के व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करना है, एंड व्हीकल से मेरा मतलब जैसे कि टैंक्स एंड हेलीकॉप्टर्स, तो आपको भी इनमें से एक व्हीकल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट व्हीकल्स मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें अनलॉक करने के लिए आपको लेवल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप बैटल को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको आपके डिफरेंट एनिमीज मिलेंगे जो कि डिफरेंट व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं। एंड ये भी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है और खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। इस गेम के ग्राफिक्स की बात करें तो हाँ, रियलिस्टिक ग्राफिक्स नहीं लगते हैं, लेकिन गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। लेफ्ट साइड से आप अपने व्हीकल की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं एंड राइट साइड में आपको एक शूट का बटन दिया गया है, टारगेट सेट करने के बाद आप शूट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अपने बेस पर डिफरेंट एनिमीज़ को फाइंड कर किल करना है और जो सबसे ज़्यादा किल कर देगा वो जीत जाएगा और रैंक 1 पर आ जाएगा। नेक्स्ट गेम इस लिस्ट में है टैप गन्स। तो ये गेम फिजिक्स पर बेस्ड है, यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। बट तो जैसे कि मान लो आपको टॉप साइड पर जाना है, तो आपको गन को तब शूट करना पड़ेगा जब गन का पॉइंट बॉटम की डायरेक्शन में होगा, तभी आप टॉप पर जा सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपल है, जिस साइड को आपको जाना है तो आपको उस टाइम पर शूट करना पड़ेगा जब आपका गन पॉइंट आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। एंड आपको बुलेट्स को कलेक्ट करते रहना है ताकि आप गेम को और ज़्यादा खेल सकें। एंड ये गेम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बुलेट्स कलेक्ट करना इतना ईजी नहीं है। आप अपसाइड को तो चले जाएंगे, लेकिन बुलेट्स कलेक्ट करने के लिए काफ़ी एक्यूरेट शॉट्स होने चाहिए। एंड जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ये गेम और इंटरेस्टिंग होती जाती है। नेक्स्ट गेम इस लिस्ट में फ्लिप सर्फिंग कलर्स। ये गेम इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने इसे डाउनलोड कर लिया और एंड आपको भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस गेम में आप एक सर्फिंग बोर्ड पर मूव करेंगे एंड राइट एंड लेफ्ट साइड पर टैप करके आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक एंडलेस रनिंग गेम है, तो हाई स्कोर के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा।
अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं तो जिस कलर का आप सर्व बोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसी कलर के बीच में आपको हिट करना है। इससे आपको 2 or 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं एंड ऑपोजिट कलर के ऑब्स्टेकल से आपको बचते हुए जाना है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 3 लाइव्स मिलती हैं। एंड ये मल्टी कलर्स बॉल आपको ऑप्शन देती हैं कि आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे ले लें एंड अगर आप कलर नहीं चेंज करना चाहते तो आप इसकी साइड से होकर जा सकते हैं। एंड बीच बीच में आपको डिफरेंट पावर्स मिलती रहेंगी तो उन्हें यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सभी एंडलेस रनिंग गेम में सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? म्यूज़िक में। तो इस गेम का भी म्यूज़िक काफ़ी बेस्ट है, तो आप इस गेम को भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट गेम इस लिस्ट में है सिली सेलिंग। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक बोट रेसिंग गेम है, तो आप इसमें एक बोट में होंगे एंड आपको अपने ओपोनेंट्स के साथ कम्पीट करना है। एंड यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स दिए गए हैं तो आपको उन्हें फॉलो करते रहना है एंड राइट एंड लेफ्ट साइड को टैप करके आप अपनी बोट की डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। एंड जिस साइड को विंड की मूवमेंट है और आप उसके ऑपोजिट साइड मूव कर रहे हैं तब आपको अपनी बोट की स्पीड को स्लो रखना पड़ेगा। एंड अगर आप विंड की सेम डायरेक्शन में अपनी बोट को मूव कर रहे हैं तब आप अपनी स्पीड को इनक्रीज कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं इस गेम की। तो आप डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स पर जाकर इस गेम के लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने ओपोनेंट से जीत सकते हैं। तो आपने बहुत सारी रेसिंग गेम्स खेली होंगी, तो सेल सेलिंग रेसिंग गेम एक बोट रेसिंग गेम है, तो ये भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो बस यही थी 7 लेटेस्ट एंड्रॉयड गेम्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सी गेम पसंद आई। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो टेक्सेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।